नमस्कार दोस्तों, टीएच एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ रूल्स। तो आइए देखते हैं। इस तरह से जो लाइन जाती है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जब बात आती है इसकी, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में कहते हैं इसे ओरिजिन। इंग्लिश में से ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में से मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस साइड जो दिया होता है ये जो होता है इसके जो निर्देशांक होता है जीरो होता है। ठीक है, जीरो जीरो कह सकते हैं, वन टू थ्री। हाँ, ये जो होते हैं वन टू थ्री फोर, इस तरीके से, यानी कि वन टू थ्री ये फोर, इधर जो होगा वो माइनस में होगा यानी कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इस तरीके से होगा। और ये भी माइनस में होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, जो इधर जो स्पेस होता है और इधर जो स्पेस है, ये चार जो स्पेस दिए हुए हैं इसे कहते हैं क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। अब इसको जो बोला गया है वो गया है, वो बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला चतुर्थांश, पहला पहला चतुर्थांश। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। जब बात आती है जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास दिया है कि एक पॉइंट है जो है मान लो नाइन और थ्री। ठीक है, तो नाइन जो होगा, पहले वाला जो होता है वो एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है, तो नाइन जो होगा इधर होगा। या दूसरा पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए, थ्री और ये टू। ठीक है, तो फर्स्ट एक्स है, एक्स पर ये थ्री है, ठीक है, ऊपर जाएगा इस तरीके से, और ये वाई का टू है, तो पॉइंट यहाँ पर होगा, ये होगा थ्री और टू। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये फर्स्ट इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, जब दोनों में प्लस होता है यानी कि इधर प्लस प्लस होता है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। माइनस इधर यानी कि पहले माइनस होगा और दूसरे में प्लस होगा, यानी कि इस तरीके से कोई आता है इसकी माइनस थ्री और फोर आता है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं दोनों माइनस के, ठीक है, और फोर्थ में आते हैं जो एक्स होगा वो प्लस होगा, यानी कि प्लस फर्स्ट प्लस होगा, बाद वाला माइनस होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट अगर दे रखा होगा आप आसानी से बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, जैसे कोई भी दो पॉइंट दिए होते हैं, जैसे कि यही मान लेते हैं ए है और बी है, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और ये तो मान लो इस तरीके से पॉइंट लगे होंगे, दो पॉइंट होंगे, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस तो होगा ही होगा, जिसकी ए है बी है तो इन दोनों के बीच में कुछ दूरी तो होगी। तो वही मतलब इसकी दूरी बीच की निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला जिसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र, डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है रूट में, रूट करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन
ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस होता है, और फिर वाई टू माइनस वाई वन इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। इस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है। तो बात करते हैं एक्स टू और एक्स वन क्या, जैसे कि हम इसे मानते थे मान सकते हैं, इसे हम एक्स वन कह देते हैं और इसे वाई वन, इसे एक्स टू और इसे वाई टू, इस तरीके से कह सकते हैं। तो अब उसकी बाद उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, थ्री एक्स टू में थ्री माना है तो थ्री रखेंगे, माइनस यहाँ पर नाइन होगा तो इसका स्क्वायर, प्लस वाई टू ये टू माइनस थ्री इसका स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस करें माइनस सिक्स आएगा स्क्वायर, सॉरी प्लस ये आएगा माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आ रहा है यहाँ पे 36 आएगा और ये वन, तो प्लस करके हमारा आंसर आएगा वो आएगा रूट 37, ठीक है। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो इसे एक्स टू माना है और इसे वाई टू माना है ऐसा मान लो, या उल्टा कर सकते हैं, बड़े वाले को एक्स टू मान लो और वाई टू मान लो, एक्स वन और वाई वन मान लो, तो डायरेक्ट इसमें माइनस करेंगे, डायरेक्ट नाइन में से सिक्स माइनस करेंगे, सॉरी नाइन में से थ्री माइनस करेंगे तो सिक्स आएगा, सिक्स का स्क्वायर कर दिया, इसमें से माइनस करेंगे वन आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे रूट निकाल देंगे डायरेक्ट, तो सॉल्व करके रूट 37 आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट फटाफट हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अब आगे देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दो तीन जो बिंदु दिए हुए हैं, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, जैसे कि मान लो ए बी सी, ए आपको पता ही है माइनस टू फाइव, और बी हो गया थ्री माइनस फोर, और सी हो गया सेवन और टेन, इस तरीके से शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये जो ट्राइंगल है ये किस टाइप का ट्राइंगल है, टाइप मतलब कि इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, या राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तुम जानते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि सारी साइड इक्वल होती है, अगर सारी साइड इक्वल होती है तो ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अगर दो साइड इक्वल होती है तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल का टाइप पता होना चाहिए पहले, तो अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी तो स्कैलन कहेंगे, यानी कि विषमबाहु होगा, इस सबको पता होना चाहिए। और ये कैसे फाइंड करेंगे किस ट्राइंगल के शीर्ष से, तो तरीका है इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर सारी साइड सेम आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है आप जानते हो, तो कैसे निकालेंगे आप ये करना है। अगर फॉर्मूले से करते हो तो काफ़ी देर लगती है, फॉर्मूले पैटर्न रखना है, लेकिन तो प्रैक्टिस कर लेनी है जल्दी हो सके। जैसे कि इसमें से इसे माइनस करेंगे तो थ्री में से अगर माइनस टू करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा फाइव आएगा, फाइव का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे माइनस फोर में से माइनस फाइव करेंगे तो आएगा माइनस नाइन, इसका स्क्वायर करेंगे और रूट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए यह आएगा 25, यह आएगा 81, तो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा 106, तो आया है ए बी आया 106, हम कह सकते हैं ए बी है 106। इसी तरीके से हम बी सी निकाल सकते हैं, बी सी में मान लें इसमें से माइनस कर देते हैं, सेवन में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4, तो स्क्वायर करते हैं ये प्लस, इसमें से माइनस करेंगे 10 में से माइनस 4 करेंगे, इसके माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, आपको पता हो तो इसका स्क्वायर ही लिख दो 16, 196, तो ये हो जाएगा 12, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा बी सी था, यानी कि दो साइड तो अलग हो गई, अब ये और देख लेते हैं एक बार, चल जाएगा पता नहीं कौन सी साइड है कौन सी नहीं है। इसमें देख लेते हैं सेवन में से माइनस कर लेते हैं
सेवन से माइनस टू माइनस करेंगे माइनस टू तो आएगा नाइन, नाइन का स्क्वायर कर देंगे और टेन यहाँ पर आएगा फाइव आएगा यहाँ पर एट्टी वन यहाँ पर ट्वेंटी फाइव तो करने पर आएगा वन जीरो सिक्स ये आ गया ए सी यानी कि दो साइड इक्वल होगी ए बी और ए सी इक्वल हो रही है तुम कह सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे ऐसे ट्राइंगल है इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सीमा सी ये एक क्वाड्रिलेटरल के चार शीर्ष दिए हुए हैं मान लो ए है ये बी मान लेते हैं ये सी है ये डी है तो इस एक तरीके से बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होता है क्वाड्रिलेटरल ठीक है तो सब इसकी दूरी निकालेंगे फिर इसकी दूरी निकालेंगे इसकी और इसकी इस तरीके से हम फिर बाद में बता पाएंगे कि ये किस मतलब टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले को पता होना चाहिए अगर सारी साइड इक्वल होती है अगर सारी साइड इक्वल होती है तो दो कंडीशन बन सकती है एक स्क्वायर यानी कि वर्ग दूसरा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज ठीक है सारी साइड इसमें भी इक्वल होती है और सारी साइड इसमें भी इक्वल होती है। उसके बाद हमें डायगोनल निकालना होंगे अगर डायगोनल इक्वल होते हैं यानी कि विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग होता है अगर विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो समचतुर्भुज होता है यानी कि रोम्बस होता है। इस तरीके से अगर आमने सामने वाली साइड बराबर आती है जैसे कि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर आती है अगर तो दो कंडीशन फिर बन सकती है या तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है यानी कि पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर आयत यानी कि रेक्टेंगल हो सकता है ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होगा अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा यानी कि समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरीके से आप बता सकते हो आसानी से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी बाकी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा पॉलिटेक्निक में आने वाले क्वेश्चंस होंगे कुछ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।